नमस्कार, मैं प्रिया धराधरती, इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर के अंतरिम जमानत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। इस केस में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। वहीं फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को दिल्ली में दर्ज FIR के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया है, जिस पर सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। शिवसेना नेता और सांसद संजू राउत ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब भाजपा का समर्थन करना नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों के वोट मिलने के बाद ये फैसला किया है। वो मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने वाले हैं। सांसद संजय राउत ने कहा है कि मातोश्री में सांसदों की बैठक छोड़ने की चर्चा गलत थी। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे पर कोई दबाव नहीं था। मातोश्री पर सभी सांसदों की अहम बैठक देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में हो रही है। उच्चतम न्यायालय भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। राव की इस याचिका में स्थायी चिकित्सा जमानत संबंधी उनकी अपील को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दे दी गई है। न्यायमूर्ति यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को राव की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। तेलुगुदेशम पार्टी ने सोमवार को घोषणा की कि वो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। पार्टी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा है कि तदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की रणनीति समिति की बैठक में इसकी घोषणा की। नायडू ने कहा कि तदेपा हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,615 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,36,52,944 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,43 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 20 और लोगों की जान जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,474 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,43 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.30% है। पिछले 5 से अधिक समय में ब्रिटेन में रह रहे विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या ने अदालत की अवमानना के मामले में उसे 4 महीने की सजा देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सोमवार को निराशा जताई। उच्चतम न्यायालय ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में सोमवार को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो कारावास की सजा काटने के लिए भगौड़े कारोबारी की उपस्थिति सुनिश्चित करे, जो 2016 से ब्रिटेन में है। नासा ने सोमवार को ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर छवि जारी की है। ये अब तक देखे गए ब्रह्मांड का उच्चतम रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है। इस पहली रंगीन छवि के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जानकारी दी। इन तस्वीरों में आकाशगंगा, नेबुला और एक गैस ग्रह नजर आए हैं। इसके लिए अमेरिकी, यूरोपीय और कनाडीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने तैयारी की है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से धमाकेदार ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लालू परिवार के वफादार कहे जाने वाले पूर्व विधायक और राजद नेता भोला यादव पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए उन्होंने मांग की है कि उनको फौरन पार्टी से बाहर किया जाए। उनका आरोप है कि पिताश्री को अस्पताल में श्री गीता का पाठ करने और सुनने से रोक दिया गया। देश और राज्य के कई हिस्सों में एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। खासकर जब आपात स्थिति में एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए वडोदरा शहर के 2 युवकों ने एक विशेष ध्वनि प्रोजेक्ट तैयार किया है। शहर के 2 युवक कश्यप भट्ट और निश्चित मैकवन ने इसे बनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो यूक्रेन में युद्ध और इथियोपियाई मोजाम्बिक के साथ ही अफ्रीका के मध्य साहेल क्षेत्र में संघर्षों में बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध पर नजर रखेगा। इसमें हत्या, दुष्कर्म और अन्य प्रकार की यौन हिंसा शामिल है। महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले से ही 21 संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति पर निगाह रख रहा है और उसमें ये 4 नए संघर्ष क्षेत्र भी शामिल किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने देवी काली टिप्पणी विवाद पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। स्मृति रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंची। स्मृति ने मां काली टिप्पणी विवाद पर महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर चुप्पी तोड़ी है। उनके मुताबिक इस तरह के व्यवहार के लिए महुआ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। वो नाराज थी कि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान 33 देशों का दौरा किया है। मई में जमैका और सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस का दौरा उनका राष्ट्रपति के रूप में आखिरी विदेश दौरा था। राष्ट्रपति कोविंद 24 जुलाई को देश के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल वर्ष के दौरान पूरे भारत में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी दौरा किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने रुपए में वैश्विक कारोबारी समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए बैंकों को भारतीय मुद्रा में आयात और निर्यात के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है। और रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा है कि बैंकों को यह व्यवस्था लागू करने के पहले उसके विदेशी मुद्रा विभाग में पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोमवार को एक विशाल एयरबस बेलुगा कार्गो विमान निर्धन भरने के लिए कुछ समय के लिए लैंड हुआ। यह पहली बार है जब यह विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरा। इस विशालकाय विमान को देखकर एयरपोर्ट पर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। यह विमान दुनिया में मौजूद सबसे बड़े विमानों में से एक है। विमान को इस तरह का आकार और रंग दिया गया है कि वो ये एक हंसती हुई व्हेल मछली सा दिखता है। यह कार्गो प्लेन एक बार में 47,000 किलो वजन उठा सकता है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने उन खबरों को फिर से खंडन कर दिया है जिनमें कहा गया है कि नई दिल्ली द्वारा कोलंबो में भारतीय सैनिक भेजे जाएंगे। इससे पहले मई में भी भारतीय उच्चायोग ने मीडिया में एक वर्ग में आई ऐसी ही खबरों को खारिज किया था। गौरतलब है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हजारों गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग लगा दी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलांग का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य के उच्च शिक्षा और आदिवासी मामले के मंत्री विश्व जनसंख्या दिवस पर इस मामले में समझदारी भरा रवैया अपनाने को कहा गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 16,800 करोड़ लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते देखे गए। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस भी पीएम मोदी के साथ देवघर में मौजूद रहे। तिस्ता सीतल वार्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दखल देने वाले एक्टिविस्टों का 190 लोगों ने लिखित में विरोध किया है। मामले में 13 पूर्व जज, 90 रिटायर्ड नौकरशाह और 87 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने साझा बयान जारी किया। इस बयान पर कुल 190 लोगों के हस्ताक्षर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को जेईई मेन्स परीक्षा 2022 सेशन 1 के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर घोषित कर दिया। इस परीक्षा में नागपुर निवासी अद्वैय कृष्णा ने 99.998% के स्कोर के साथ महाराष्ट्र में टॉप किया है। भाजपा विपक्ष मुक्त पथ पर चल रही है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को सियासी मैदान में जर्जर और निस्तानाबूद विपक्ष के तौर पर रखने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यों के प्रभारी महासचिव और राज्य इकाई को अलग टीम बनाकर इस पर काम करने के लिए कहा है। WWE के मशहूर रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली पर टोलकर्मी ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। टोलकर्मी ने उनकी कार को घेर लिया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने खली को सुरक्षित निकाला। टोलकर्मियों का कहना है कि आईडी मांगने पर खली ने थप्पड़ मारा है। वहीं खली का कहना है कि टोलकर्मी कार में घुसकर फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने टोलकर्मियों पर अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया। लुधियाना पुलिस ने कहा कि मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है। पंजाब में 1 जुलाई से हर बिल में 600 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम में सरकार ने कुछ शर्तें हटा दी हैं, जिसके बाद जनरल कैटेगरी में सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को ही हर हाल में 600 यूनिट मुफ्त मिलेगी। वहीं एससी, बीसी और फ्रीडम फाइटर फैमिली को हर बिल में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस बाबत सरकार ने बिजली विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेज दिया है। भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है। सरकार ने अगले साल यानी 2023 में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। इस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन से जुड़े 2 ट्रायल इस साल के अंत तक के लिए लिए जाएंगे, जिसके बाद अगले साल 1 या 2 भारतीयों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की केंद्रीय जांच एजेंसी जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस इसकी जांच कर रही है, वहीं सही दिशा में चल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें पुलिस के जरिए 14 जुलाई को भटिंडा कोर्ट में पेश होना था। अब 8 सितंबर तक उन्हें पेशी से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा है कि जब तक यहां सुनवाई नहीं होती वो कोई सुनवाई ना करे। कंगना रनौत पर भटिंडा की बुजुर्ग महिला पर आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ मानहानि का केस हुआ था। श्रीलंका में पिछले 3 महीने में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने की खबर सामने आई है। एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें उनका सामान नेवी के जहाज पर उनके कर्मचारी ले जाते दिख रहे हैं। रविवार को एक और वीडियो सामने आई है जिसमें राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता होने का दावा किया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति अपनी जान बचाकर इसी खुफिया रास्ते से देश छोड़कर भागे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली अपना 50वां जन्मदिन मनाने लंदन गए हुए थे। परिवार के साथ ही लंदन की सड़क पर उनकी मौज मस्ती का वीडियो सामने आया है। इसमें सौरभ अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ नाचते नजर आए। ओम शांति ओम गाने पर पापा के डांस को देखकर सौरभ गांगुली की बेटी सना गांगुली हैरान हो गई। वीडियो में वो अपना मुंह पर हाथ रखकर शर्माती नजर आ रही है। देश में दिल्ली, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में लोग गर्मी से उबरने के लिए मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र जैसे देश के पश्चिमी राज्यों में सैलाब के हालात एकदम बिगड़ गए हैं। गुजरात का तो सबसे बुरा हाल है, जहां नवसारी, डांग, अहमदाबाद, तापी, नर्मदा जैसे जिलों में हालात बेकाबू हैं। नवसारी से सूरत को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे बाढ़ जैसे हालातों के चलते बंद हो गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर नेक्सन ईवी
की कीमत पे 45,000 रुपए तक का इजाफा किया है। हम आपके लिए अब इस गाड़ी की नई प्राइस लिस्ट आज के इस खबर में लेकर आए हैं। टाटा नेक्सन XM EV की कीमत अब 14.99 लाख रुपए हो गई है। नेक्सन XZ प्लस EV की कीमत 15.95 से 35,000 रुपए महंगी होकर 16.30 हो गई। इसकी कीमत में 2.19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों का नाम सामने आना बाकी है। हालांकि खबर है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। खबर यह भी है कि दावेदारों की रेस में 3 नए नाम शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद करीम खान, मनोज कुमार, कुश कुमार यादव, नीतीश तोमर जोहानाबाद, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना से बचाव के लिए आपके आसपास लोग COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।